हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो है, आज है थर्सडे, सॉरी मैं भूल गई। तो आज थर्सडे है और अभी जो बज रहे हैं सुबह का 11:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ नया घर में। तो नए घर में ऑलमोस्ट जो है काम खत्म होने वाला है। थोड़ा बहुत काम है जैसे कि पूजा रूम और टीवी यूनिट, ये सब बाकी है, और ड्रेसिंग टेबल का मिरर लगाना बाकी है। ये 2-3 काम पेंडिंग है और बाकी जो है काम सारा खत्म हो गई है। मैं नहा धो के यहाँ पर रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हम लोग फिर से अभी बाहर जा रहे हैं, कुछ चेंजेस हम लोगों को फिर से कराना है, क्योंकि जब तक काम नहीं खत्म होता है चेंजेस हमारे माइंड में आता रहता है। तो हम लोग एक एक करके चेंजेस कर रहे हैं और हैंडल वगैरह ये सब कुछ लेना है पूजा रूम के लिए, क्योंकि पूजा रूम के लिए थोड़ा सा अगर ब्रास का जो पीतल का हैंडल अगर होता है तो अच्छा लगता है देखने के लिए। तो अभी इसलिए मैं जा रही हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ क्विकली कि कितना दूर अभी तक काम हुआ है। आज जो है, आज आई थिंक 4th या 5th डे है इंटीरियर का, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, ये बिल्कुल यहाँ पर कोने में आएगा और अभी तक मिरर भी इसका रेडी नहीं हुआ है और ये कलर मैंने इसे चूज किया है, फ्लोरल डिजाइन है। तो मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था ये कबर्ड है, कबर्ड रेडी हो चुकी है और अंदर का मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंट किया है। ये है हस्बैंड का सेक्शन जो कि उनके हिसाब से बनाया है, क्योंकि हस्बैंड लोगों का साथ ज्यादा रहता है तो इसकी वजह से। और ये है मेरा कबर्ड, ये इस तरह से बनाया है मैंने। और इसका जो स्टैंड मैंने छोटा रखा है क्योंकि हम लोगों का इतना बड़ा बड़ा साथ यूज नहीं होता है। तो ये है और यहाँ पर 3 पार्टीशन हुआ है। तो ये कबर्ड का और वॉशरूम का भी सारा जो फिटिंग वगैरह है वो हो गई है, मिरर लग गया है, ये ब्रश होल्डर, हैंगर, साबुन सोप केस सॉरी, तो ये सब हो गई है। और दूसरा कमरा का भी है होने वाला है, थोड़ा बहुत बाकी है। और फिर ये स्टडी टेबल है, कुछ हैंडल यहाँ पर लगने के लिए बाकी है। और ये दूसरा कबर्ड काम चल रहा है। तो किचन का भी काम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सिर्फ जो कटलरी वगैरह लगाते हैं वो सब फिटिंग करना है। और आज सोच रही हूँ कि शाम तक सारा काम खत्म करने के लिए, क्योंकि हम लोग कल ही शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और नीचे का जो फ्लावर है देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे तो, दिखाई नहीं, हाँ पिंक कलर का फ्लावर। और मैं आपको कभी नीचे अगर लेके जाऊंगी तो आपको पक्का दिखाऊंगी। तो चलिए और अभी हम लोग निकलते हैं बाहर फिर से, क्योंकि अभी 5 दिनों से हमारा जो हालत है खराब हो गई है। मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं फेस वॉश करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके जल्दी जल्दी मैं वापस आ गई। लिप ग्लॉस भी नहीं लगाया, लिपस्टिक भी नहीं लगाया, जस्ट इंक्लूडेड इसको, इस फेस को लेकर जज मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मैं एंजल को संभालती हूँ, वो कुछ ना कुछ कर देती है। हालत से तो आपको पता चल गया होगा कि अभी बहुत टाइम हो गई है
और अभी जो टाइम हो रहे है वो है रात का, बज रहे हैं 7:30। और अभी अभी मैं नया घर से यहाँ पर आई हूँ, और यहाँ पर भी मुझे अभी काम करना है क्योंकि कल हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। जो हमारा कपड़े वगैरह है ये सब मुझे ही तो पैक करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग कल ये काम नहीं करेंगे। तो जो भी डेलीकेट वगैरह है वो सब मैं करूँगी और बाद में वो लोग करेंगे। तो अभी फिर से जाऊँगी वो सब काम करने के लिए, और आज का दिन उधर ही मेरा चला गया। तो थोड़ा बहुत थक गई हूँ। और एंजेला भी यहाँ पर खा के यहाँ पर बैठी है। मामा मामा पापा हाय 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 और पढ़े लिखी से मैंने पैसे नहीं ले कितने तो वाकर लोग जो है वो चले गए हैं। अभी मैं जाऊंगी जल्दी से कुछ खाना वाना बनाऊंगी, बर्तन भी पड़ा हुआ है वो सब क्लीन करूंगी। उसके बाद थोड़ी बहुत मुझे पैकिंग करना है कल के लिए। तो चलिए हम जल्दी से फटाफट से फिर से काम पे लग जाते हैं, फिर मैं आपसे थोड़ा सा फ्री होकर बात करती हूँ। एवरीवन, तो रात का बज रहे हैं 11:30, 11:30 और 11:45 हो रही है। और एंजेला भी मैं जस्ट सुला के आई हूँ, और हस्बैंड भी थक के सो गए हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे बर्तन को क्लीन करना था, तो इसलिए उसको सुलाने के बाद मैंने बर्तन साफ की, उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। और थोड़ा बर्तन भी बाकी है क्योंकि ज़्यादा अगर मैं आवाज़ करूँगी तो आंजल उड़ जाएगी। तो थोड़ा बहुत मैंने सुबह का काम जैसे कि हल्का होगा तो उस थोड़ा बहुत बर्तन साफ़ कर लिया है, और थोड़ा भी बाकी है क्योंकि आज दिन में मैंने बिल्कुल भी बर्तन को साफ़ नहीं किया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन हो गया था। और आज डिनर में बिल्कुल सिंपल डिनर था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि सिंपल सा भिंडी की सब्ज़ी था, तो वो क्या आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो डिनर को स्किप मारते हैं। और पैकिंग जो है ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ा बहुत बाकी है। उसी वाला जो बेडरूम में मास्टर बेडरूम का जो कबड़ है वो मैंने खाली करके अलग अलग से बेडशीट लेकर बांध के रख दिया है। और ये वाली जो कबर्ड में ये रूम में, क्योंकि ये मैंने सेकंड बेडरूम में बैठा है, और अंदर कुछ कार्टून वगैरह हम लोगों का था, तो कार्टून वगैरह में हम लोगों का जितना भी शो पीस था घर में वो सब रख दिए हैं। और यहाँ पर एंजल के सारे ड्रेसेस है वो मैं कल सुबह रखूँगी क्योंकि अभी मुझे करना है एक वीडियो को एडिट। 2 दिनों से मैं कुछ भी वीडियो वगैरह अपने चैनल पे नहीं डाला है, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे इंस्टाग्राम में और कमेंट में भी बहुत सारा लोगों ने पूछते रहते हैं कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। बट थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ और थक जाती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो इसकी वजह से हिम्मत ही नहीं होता है कि वीडियो एडिट करके पोस्ट करूँ। और रात ही मिलता है मुझे, दिन भर उठने जब मैं उठती हूँ तो काम, फिर सोने के टाइम तक मेरा काम पूरा रहता है। तो ये 2 दिन पूरा हैटिक वाला दिन था, तो इसलिए कुछ भी मैंने आपके लिए तो ब्लॉग ही बनाई बट वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। तो आई थिंक परसों का वीडियो मैंने आज
एडिट करूँगी तो हो सके तो रात में ही पोस्ट कर दूँगी, नहीं तो सुबह उठ के मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर से कल कभी सॉरी फिर से कल कभी वीडियो जो है पेंडिंग हो जाएगा। और मेरे तो हालत आप देख चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और डार्क सर्कल भी थोड़ा थोड़ा आ गई है, बालों का जो है पूरा मेसी होके रखा है। ये हम लोगों ने सिस्टम कुछ कनेक्शन वगैरह ये सब निकाल लिया है, तो कल वो लोग आएंगे, पैकेट्स मूवर्स का जो हेल्पर होते हैं वो लोग आएंगे, 3 या 4 कुछ लोग आ रहे हैं। तो उस घर का जो इंटीरियर था आज बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाया, और मैं आपको एक्चुअली दिखाने के लिए भी भूल गई, क्योंकि सुबह जितना काम हुआ था आज थोड़ा सा शाम तक थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, क्योंकि पूजा डोर हमारा कटिंग हो गई है, उसको फिट कराना है, और टीवी यूनिट को वो लोग पूरा साइज करके रख दिए हैं, सिर्फ ड्रिल करना है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी में एक रूल है कि 6:30 के बाद आप ड्रिल नहीं कर सकते हो, तो इसकी वजह से टाइम भी हो गया था। तो वो लोग बोले कि कल सुबह आके फिटिंग कर देंगे। ये सारा काम है, और किचन का कुछ काउंटर में कुछ वो लोग देते हैं सिलिकॉन और व्हाइट सीमेंट ये सब कुछ देते हैं लीक केस ना होने के लिए, तो वो कल किचन का काम बाकी है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सैटरडे और संडे तक हम लोग यहाँ पे खाएंगे और बाकी सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि खाना पीना उसी घर में अभी करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है उस घर में, काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, मीन्स उडेन का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स वाला डस्ट है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे ही खाना पीना करेंगे, वहाँ पर जाके सिर्फ थोड़ा सा सोएंगे और बाकी जो सारा काम है हमारा करेंगे, बट खाना पीना इसके बात करते करते भी आ जाता है नींद। तो ये सारा हमारा प्लानिंग है, क्योंकि ये जो घर है हम लोगों का 1 तारीख लास्ट है, तो हम 1 तारीख तक ये घर में हैं, फिर उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और नहीं तो ये जो घर का भी रेंट बढ़ सकता है, तो इसके वजह से हम लोग 1 तारीख को छोड़ रहे हैं। और सच कहूँ तो ना चाहते ही भी हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बात अंदर से आती है कि चलो खुद का घर हो गया और फिर से अभी कहीं पे शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा, तो ये बात एक सुकून देती है, बट सच में मुझे टोटली मन नहीं है कि फिर से शिफ्टिंग का जो टेंशन है वो लेने के लिए, क्योंकि शिफ्टिंग एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है पापा, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, फिर ये बच्ची के साथ अंजल के साथ बिल्कुल नहीं हो पाता है। पहले जब अंजल मेरे मीन्स प्रेगनेंसी में थी, जब मैं प्रेगनेंसी में थी तब तो आई थिंक 4 मंथ कंप्लीट होके 5 मंथ चल रहा था, उस टाइम पर हम लोग शिफ्ट कर रहे थे घर, और उस टाइम पे हमारे पास कोई भी नहीं था, ना मेरे भाई थे और ना देवर इन लॉ थे, कुछ भी सॉरी ब्रदर इन लॉ थे, कोई भी नहीं था, तो हम लोगों ने दोनों मिलके सारा घर का सामान जो है शिफ्ट कर दिए थे, सिर्फ पैकेट्स मूवर्स लोग तो लाके घर में रख देते हैं, बट हम लोगों को ही सारा सामान जो है सेट करना पड़ता है, वो लोग वो सारा काम हम लोगों ने 2 या 3 दिन में पूरा घर सेट कर दिए थे, बट अभी जो एंजल होने के बाद अभी लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत पैकेट्स मूवर्स वालों ने बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया हम लोगों को, बट ये लोग जो है कल ऑलरेडी इनके एक फ्रेंड के घर से शिफ्टिंग का काम ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो थोड़ा सा उम्मीद हम लोगों का है कि जरूर ये लोग आएंगे और टाइम के हिसाब से आएंगे, तो वो लोग कल सुबह 10 बजे आ रहे हैं, तो देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। मैं सोच रही हूँ कि किचन का थोड़ा बहुत सामान रखे और बाकी सारा जो सामान है वो शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट कबर्ड वबर्ड ये सब तो हो गई है, सिर्फ ड्राइंग रूम का ही थोड़ा काम है, और बड़ा बड़ा सामान अपनी जगह पर अच्छे से आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके फिर हम लोगों ने शिफ्ट करेंगे, क्योंकि संडे और सैटरडे संडे हस्बैंड का भी छुट्टी है और मेरा भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा उस टाइम पर, फिर मंडे को हस्बैंड का ऑफिस है, फिर ट्यूसडे को ऑफिस का छुट्टी है, आई थिंक कुछ महात्मा गांधी जयंती है तो अक्टूबर 2 को,
तो वो दिन हस्बैंड का छुट्टी हो, तो ये 2-3 दिन में हम लोग सेट कर देंगे इस तो लग रहा है। बट पता नहीं शिफ्टिंग होने के बाद सारा जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से देखती हूँ तो पूरा घबरा जाती हूँ, और कबर्ड को सामान लगाने में मुझे लग जाएगा 2 दिन आई थिंक। और सारा मेरे जो मेकअप का सामान है वो भी मुझे कल ही निकालना है, बहुत सारा काम है अभी, तो देखते हैं कल कितना कुछ हो पाता है। तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगी, और आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जो छोटा सा मेरा ब्लॉग था आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और ये भागम भाग में थोड़ा सा मेरा जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ और खुद शूट करके काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे से। तो ट्राई करती हूँ जितना आप लोगों को अपडेट देने के लिए और मेरे लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इस तरह से, और आगे से और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि नया घर नया शुरुआत सब कुछ नया नया होने वाला है। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अब के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, गुड नाइट।